नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पंडरी बस स्टैंड गुरुद्वारा गोविंद नगर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, 357वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी के संबंध में हमारे गुरुद्वारा गुरु गोविंद नगर में भी ये विशाल कार्यक्रम संगत के सहयोग से और बाकी सब पूरे शहरवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, और जिसमें गुरु साहब का जो संदेश है, जो संत सिपाही का संदेश है और जो आपसी भाईचारे का संदेश है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सब कार्यक्रम होते हैं। और हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और पूरे देश की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं और गुरु साहब के संदेशों को दूर दूर तक प्रचारित करने के लिए आपके सहयोग का भी धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिर्फ विवरण देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने चार साहेबजादों की कुर्बानी दी, इनसे ज़्यादा कुर्बानी सरवंत सदानी कोई भी नहीं है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का हम जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं पंडरी गुरुद्वारे में, जहाँ लंगर की व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालु आए हैं और बहुत ही सुंदर गुरबाणी का यहाँ पर कीर्तन किया गया है, और सभी लोग उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। यहाँ पर सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आकर हमारे सिख समाज में सभी ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर गुरुपुरब मनाया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात जितनी कही जाए उतनी कम है। उनकी कुर्बानियों को ज़्यादा विस्तार से बता सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ का समय कम है, इसलिए यही बोली हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसा ना कुर्बान सरवन सदानी कोई भी नहीं हुआ है ना होगा। बोले सो निहाल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के दसवें गुरु, दशम पिता बोलते हैं, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता और अपने बच्चों को का बलिदान दिया, ऐसे बलिदानी गुरु का आज जन्म दिवस है। पंडरी गुरुद्वारा गोविंद नगर में बड़े उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं। सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी गुरु जी को मानते हैं और यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं, अरदास किए हैं, और सर्वंश सर्वत का भला, मतलब सबके भले के लिए सबने यहाँ अरदास किया। और गुरु का लंगर